हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शिवी के साथ थोड़ा सा बाहर आई हुई थी उसको छोड़ने के लिए कुछ दिन के लिए। सो मैं एक जगह में मैंने रूम हम लोगों ने रेंट पे लिया है, और शिवी के एक फ्रेंड है, उसके भी पेरेंट्स आए हुए हैं हमारे साथ। सो ये बहुत खूबसूरत जगह है जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, और रात का टाइम हो रहा है, ठीक है। और ये इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, और ये देखना बिल्कुल मस्त एकदम। ये रहा व्यू इसका, ये रहा, और आपको थोड़ा बाहर से भी दिखा देती हूँ, देखना किस स्टाइल में बनी हुई है ना। और ये देखिए, ये रहा तन टन तन रण है ना। सो ये रहा कुछ ऐसा, जहाँ पर मैं कुछ राजाओं की तरह बैठ के ऐसे लग रही हूँ। ओके, लेट्स गो। हाँ, अब चलते हैं आपको रूम टूर कराने के लिए, जो बिल्कुल सामने हैं, और ये लोग लटके हुए हैं। सो वेलकम टू अवर रूम टूर। यहाँ सामान रख दिया हमने। ये कौन बैठा हुआ है? रिया। हाय रिया। हाय दीदी। हाय शिवी। ये हमारा कूलर है भाई, हमें एसी वाला, एक्चुअली एसी वाला रूम अवेलेबल नहीं था यहाँ पर, है ना, तो कूलर नहीं वजह दे रहे। कूलर की तो जरूरत नहीं, तुम बाहर जा रहे हो। और बाहर व्यू कितना सुंदर है, तुम पता है? मतलब मैं बताऊँ, मोबाइल में इतना समझ में नहीं आ रहा, रियल में बहुत सुंदर है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं बाहर। बाहर चलिए, क्या कम ऑन बाय। अरे एक हादसा, अरे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था हमारे साथ। शिवी थोड़ा सा बताएगी, ठीक है? शिवी बहन बता दे, तू नहीं करना चाहती यार, तू बताना चाहेगी? थोड़ा थोड़ा बता दे, मतलब वो इतना हॉरिफाइड था ना, ये लोग भी डर रहे हैं। बता, थोड़ा सा बता दे, बता दे। हम सबकी सोल बाहर आ रही थी, मतलब मुंह से आत्मा बाहर निकल गई थी। ठीक है, बताती हूँ मैं क्या होता है। तो शिवी ना अपना एक बैग में डॉक्यूमेंट्स लाई हुई थी, और हम लोग रूम देखने के लिए चले गए। रिया के पेरेंट्स है ना, और ये दोनों सामान की रखवाली कर रहे थे ये दोनों, ठीक है। और पीछे से एक बैग गायब हो गया अचानक से, ठीक है। तो हम लोग आए, हमने कहा एक बैग का शिवी के डॉक्यूमेंट। शिवी कूदने को तैयार, आगे थोड़ा तो बता। हमने उन्होंने एक भैया ने बोला कि ये रेलवे ट्रैक क्रॉस करके वहाँ पे, मतलब सेंटर है वहाँ पे इंफॉर्मेशन दो। तो वहाँ से ट्रेन आ रही, हम पटरी पे से क्रॉस करने के लिए, पता है। और पूरा डॉक्यूमेंट बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट लगने में टाइम लगता है। हम इतना डर गए, पर होपफुली बैग हमें थोड़ी सी दूर मिल गया, क्योंकि हम उसको ले जाना भूल गए थे। एक रूम में रखा रह गया था वो बैग, वेटिंग रूम में। कि वो रूम में भी कहीं नहीं गया, वो काफी टाइम वहीं रहा। हमें लगा कि वेटिंग रूम में रखा था, और वो वहीं पर मिल गया। भगवान हनुमान जी ने हमें बचा लिया, आज तो पता नहीं क्या होता। बेपरवाह लोग तुम लोग, बेपरवाह लोग हो। मैं नहीं छोड़ के आई थी, जब सारा सामान लेकर आ रहे थे तो तुम्हें मैं कुछ सामान दे के आई थी लाने के लिए। वो हाँ, बड़े आए, मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। चलो चलते हैं फिर से। गाइस, आज का सबक में आप, मतलब जो मैंने अपनी अपने अपने लाइफ में सीखा, और आप सबको भी देना चाहूंगी। भैया, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन या किसी भी चीज की मार्कशीट वगैरह हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बहुत सेफ रखो भाई। आज मुझे पता चल गया, अगर वो खो जाए ना, बहुत लग जाती है, क्योंकि कम से कम 1-2 साल लग जाएगा तब जाके वो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, और भाई अच्छी खासी लग जाएगी। तो इसलिए कभी भी डॉक्यूमेंट्स एक तो साथ ना लेके चलना। मेरी शिवी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर आ गई है, अब मैं इसके वापस ले जाऊंगी। और एक तो कभी अपने साथ डॉक्यूमेंट साथ ना लेके जाए, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से रखे यार, बहुत मेहनत का काम होता है ये भी। और जहाँ मैं बैठी हुई, अरे भाई मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। और पता है, यहाँ पे ना पोल्यूशन थोड़ा कम है जहाँ पे मैं आई हुई हूँ। दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन में कितना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, मतलब सच में बताऊँ ना, दिल्ली से मेरा मन हट गया। अब वहाँ पे कुछ जगह बहुत अच्छी है, जैसे जहाँ मैं रहती थी वहाँ ग्रीनरी काफ़ी थी, ग्रीनरी वाली जगहें अच्छी हैं, बाकी वहाँ पे वो जरा रश नहीं होने लग गया। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा भीड़ बहुत है यहाँ पे। जहाँ मैं आई हुई हूँ ना, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इतनी भीड़ नहीं दिख रही मुझे, तो यहाँ पे मेरे को मजा आ रहा है। और भाई
मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यार, मैं बहुत सुंदर सी जगह बैठी हुई हूँ। मैं नहीं जानती आपको कैमरे में कैसे लग रही होगी, बट मुझे जो फीलिंग आ रहा है ना, आई कांट टेल यू। तो रहन दो फिर। मजा आ गया। आंटी ये रही, आंटी मजे से यहाँ बहुत सुंदर सी जगह में बैठ के आराम से चिल कर रही है ना। और पीछे ये भी मैम शिवी गई अभी नहाने के लिए, क्योंकि वो भी कूलिंग कूलिंग हो जाएगी ना। हाँ चलो ठीक है, सब अब खाना खाने जाएंगे है ना। हाँ ये आंटी बहुत क्यूट है, देखो भाई हंसती होती है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए सारे के सारे। के ना वापस आई हूँ ये खोलने के लिए, और पता है जुगाड़ क्या करा है, इसे पन्नी बांध दी ताकि खोए ना। हमें बताती हूँ क्यों आई हूँ मैं वापस, ठीक है अभी बताती हूँ क्यों। लाइट ऑन हो जा। हाँ तो ये है ना आंटी करेले लाई थी ना, तो अंकल को करेले बहुत पसंद है, तो ये मुझे लेके जाना ताकि करेले वेस्ट ना जाए और हम खा ले। छोटा सा काम था, लाइट बंद कर देते ताकि रूम ठंडा हो जाए जब हम आए, ठीक है अभी वापस बंद करना है। ओके जा रहे हैं होटल पे, खाना खाने, भूख लगी है, स्कूल जा करने है भाई, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। आप व्यू देख लो रात का। अरे भैया संभल के, गाड़ी वाले अंकल नहीं जाना मारेगा। ये देखो झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाना आता है प्यारा प्यारा। हवा बड़ी सही चल रही है। तो भाई हमारा खाना आ गया, ये रहा अंकल का, ये रहा ये रहा ये रहा। आंटी अपने करेले निकाल रही है। शिवी की लस्सी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती नहीं, है। नहीं मेरी गलती नहीं, है। नहीं, 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 भाई इसने डरा दिया, इस डॉगी ने हमें। गाइस इस डॉगी ने ना इसने 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 और इसने ये मेरी वीडियो बना रही थी, ये हंस रही आंटी जत्ता, ये आंटी जत्ता हंस रही है, ये हंस रही है मेरे पर, डॉगी कूद गया सर पे, मैं तेरे डर गई। एनिमल लवर हो ना, क्या एनिमल लवर हो ना, तो एनिमल आप पे झपट्टा मार रहे हैं। म्यूजिक। हाँ भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम हमें पसंद नहीं आया, तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया, मैं आग तू आंटी को दे, आंटी को दे। ओ ओ ये तो नहाने चला गया भाई, ये सही है, ये बढ़िया है, स्विमिंग पूल बना लिया उसने, ये बढ़िया है शिवी है। ये बढ़िया है, फुद्दू डॉग है भैया, ये बिल्कुल फुद्दू डॉग, इतना बड़ा डॉग उतने छोटे डॉग से डर रहा है। भाग गया। गुड बाय, गुड नाइट। I'm really not that cool.